सलमान साकिब शेख आपका असली नाम है और आपने रख लिया है मानी और मशहूर भी हो गया मानी तो ये क्या वजह है मतलब मानी नाम रखने की वजह ये तो नहीं है अल्लाह ना करे कोई बैंक बैंक से कर्जा लिया हुआ है कोई डिफॉल्टर हुए हुए नाम चेंज कर दिया पीछे से निकल गया है तो बैंक का कर्जा तो नहीं मिलता सलमान साकिब शेख को ढूंढ रही है मैं तो मानी हूँ और आर्टिस्टों को मिलता ही नहीं बैंक से कर्जा इतनी इंक्वायरी इतनी क्यूरी ये गोरा रंग कराने के इंजेक्शन लगवाए या नहीं उसकी एक बात बताऊँ जिनके रंग गोरे करवाए जाते हैं उनका सिर्फ मुंह गोरा होता है पूरा धड़ गोरा गोरा नहीं हो जाता नहीं <laughs> <laughs> तो यार ये तो आपने सुना है धड़ भी गोरा हो होता नहीं, नहीं धड़ नहीं होता धड़ नहीं होता पहले से आप चीकू बच्चे थे चीकू चिकना बच्चा चीकू बच्चे कहते ना चीकू बच्चे <laughs> हाँ चीकू बच्चा था लेकिन मैं क्या ना मैं वक्त और हालात की वजह से रंग मेरा डल हो गया था दोबारा से मैंने कीमे शीमे लगा लगाता हूँ आजकल ना मालिक साहब हो ये गया है या तो आप बहुत अच्छा करो या डिफरेंट करो ये दो चीजें चल रही है ये तो बीस साल पहले मुझे समझ आ गई थी बहुत डिफरेंट करना पड़ेगा हाँ। ना मेरी शकल थी, ना सूरत थी, ना था। अदाएं थी और मुझे पंद्रह के बाद आई तो अदाएं वाले चल रहे हैं क्या ना स्वैग वाले मीठे मीठे पाकिस्तान मुझे एक बात बताए सबसे पसंदीदा कॉमेडियन आपका बरकत बहुत पसंद और ड्रामे में है, होते हैं तो है शूटिंग पे जा रही है काम करता ऐसा तो कुछ सिलसिला भी हुआ होता है होता है ये नौ टिकटो वाली बता दे जरा <laughs> बता दे आप देखे कैसी क्या डर किस बात का यार आपने इतनी बड़ी स्पाइडरमैन के सामने दो फिल्में लगी थी पाकिस्तानी

हर तरफ फैल रही है उरियानी कराची में हर जगह खड़ा है गटर का पानी खानदान में फट्टे कराती है मुमानी क्या ख्याल है जानी मानी 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 कैसे 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 ठीक ठाक है से, सब सेट है अभी तक सेट है सब सेट है अभी तक सेट है वही पुराना वाला 2019 से बुलबुली 2000 छोटे-छोटे होते थे फिटर पीते हुए देखते थे अगर तू छोटा था तो मैं कितना बड़ा हो गया <laughs> बहुत बड़ा बारह नंबर का जूता पहनते हैं आप इतने बड़े हैं। अभी अभी तो आठ नंबर के ही है अच्छा <laughs> आधा बड़ा कर पहनता हूँ थोड़ा सा मणि शनि खा दिया अभी हाँ खा रहे

वो वो जो जो था वो वायरल हो गया मतलब उस ज़माने के हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ वो थी और वो सब वो लोग वही दिखते थे करे होते हो थे वो व्यवहे और उसमें सिंधी उसकी भी नहीं आती थी बोलनी वो मैं हैदराबाद गया एक जगह पे और हैदराबाद में ऐसी प्यार मोहब्बत में मुझे कुछ लड़कों ने बुला लिया वो वो जी एस सी लड़के थे अच्छा अच्छा उन्होंने मुझे बिठा लिया कहता है हमारे कोई बड़े आएंगे वो बात करना चाहते हैं इधर कुछ और तरह के लड़के बैठे हुए थे उन्होंने मुझे चुपके से लगे चले गए कहता है मानी भाई ये आपका ये अपनी ख़ार आप पे निकालने वाले थे आप क्यों बैठ गए इनके साथ आ नहीं नहीं तो मैंने अच्छा भाग ले तो नहीं, नहीं। <laughs> दुम भागने की जरूरत नहीं है माफी थी हो सलमान साकिब शेख आपका असली नाम है और आपने रख लिया है मानी और मशहूर भी हो गया मानी तो ये क्या वजह है मतलब मानी नाम रखने की वजह ये तो नहीं है अल्लाह ना करे कोई बैंक वैंक से कर्जा लिया हुआ है कोई डिफॉल्टर हुए हुए नाम चेंज कर दिया पीछे से निकल गए गया सलमान साकिब शेख को ढूंढ रही है मैं तो मानी हूँ और आर्टिस्ट को मिलता ही नहीं बैंक से कर्जा इतनी इंक्वायरी इतनी क्यूरी इत... वो एक्चुअली वो हुआ ये मेरे अबू टेलीविजन के बहुत पुराने एक्टर थे माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल और उनके किसी ड्रामा में उनका नाम मानी था और एक का नाम सलमान भी था उनका एक ड्रामा था खुदा की बस्ती उसमें उनका नाम सलमान था हुँ, 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 तो वो शायद मेरे ख्याल में अबू फिर मेरे कज़न का एक नाम था टूटू -टू। वो उनका कोई ड्रामा टूटू -टू के नाम से मशहूर हुआ था हुँ. इस तरह वो जो थे उस ज़माने में वो मशहूर थे पॉपुलर थे ज़माने में तो वो उसी हिसाब से वो नाम वाम आगे पीछे रख देते थे मैं हम यही वजह थी मानी मुझे प्यार से घर में कहते हैं मेरे मोहल्ले के लोग मुझे सलमान कहते हैं मेरे स्कूल के लोग मुझे सलमान कहते हैं लेकिन मेरे एक मोहल्ले के लोग मुझे मानी भी के नाम से भी जानते हैं और टीवी के लोग तो मानी असफर कहा इतना लंबा नाम हम कैसे चलाएंगे मैं लिखता था सबसेटे सलमान साकिब शेख लिखा होता था, था वो वो मीटर से आउट हो जाता था <laughs> उसने बोला यार छोटा आप हम तुझे मानी कहते हैं मानी लिख दे। अच्छा मैं बड़ा टच ही था उस मामले में कि यार मानी लिखूँगा यार मेरा उस जमाने में ये आइडिया नहीं था कि मानी के नाम से हिट हो जाऊंगा तो मानी फिर मैंने वहाँ लिखा शुरू के जो मेरे रोड शोज हैं उसमें तो भी मेरा नाम सलमान साकिब शेख लिखा हुआ है फिर हमने चेंज किया ये जो हमारे इमरान अली बैठे हैं पीछे इनके साथ भी पहला एक दो शो में सलमान साकिब इमरान अली ये पीछे एडिटर हाथ दीजिएगा हाँ बट ठीक है तो सलमान साकिब शेख से फिर हमने मानी किया हमने कहा यार कि क्योंकि ये सब मानी के नाम से जानते थे मुझे तो मुझे ये मैं टची था सलमान साकििब शेख से लेकिन मुझे किसी ने बोला कि नहीं मानी से क्लिक करेगा तो वो ये हो गया मैं हूँ आपका होस्ट मानी वाह बस वो फिर चल पड़ा एक चीज कसम खा के बताने यू कर ले यू कर ले ये गोरा रंग कराने के इंजेक्शन लगवाए या नहीं उसकी एक बात बताऊँ जिनके रंग गोरे

वो हाँ। दो तीन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रंग गोरा किया हुआ अच्छा मसलन कौन अच्छा? कह दो यार यार प्लीज प्लीज कर दे अब तो कर यार यार वो अब तो कौन है कितने सारे लोग हैं कौन है दो तीन ले ले दो तीन रह गए हैं जिन्होंने जिन्होंने नहीं है, सब ये घुबार है देखिए <laughs> ये आप फोर के चरग्गी में खड़े हुए मुझे घुमा है अब अब आप इसमें एक क्लिप लाएंगे मेरी ऊपर से ना ऊपर इसमें मेरी एक तस्वीर लाएंगे बचपन की अच्छा वो तो लगानी जरूरी है उससे पता लग जाएगा मैं कितना रंग मेरा कितना गोरा हुआ है मेरा रंग कम हुआ है अच्छा, पहले से ही आप, आप चीकू बच्चे थे <laughs> हाँ चीकू बच्चा था लेकिन मैं क्या मैं वक्त तो हालात की वजह से रंग मेरा डल हो गया था दोबारा से मैंने क्रीमे लगा क्रीमे लगाता हूँ सब लगाते हैं आप भी लगा रहे हैं आजकल क्रीम कोई

ये जो यहाँ पे दो तीन लोग बैठे हैं ये जानते हैं मैं क्लीन शेव भी इन्होंने देखा हो मुझे मैंने भी देखा हुआ हाँ, मैंने भी देखा तो, तो भी देखा तो क्लीन शेव में जो था वो मानी इजम एक प्रोग्राम था जिसमें था सही है ना भी रंग हो रहा था वैसे, वैसे क्लीन शेव जितना मेरी स्किन दिखती जाएगी उतना मैं शफाफ और शाफ साफ और क्या नाम है खूबसूरत और क्या कौन सा बच्चा था शीखो बच्चा शीखो बच्चा अच्छा आपने हीरा भाभी का जिक्र कर लिया तो एक सवाल आमाद हुई है कि आजकल माशाल्लाह बहुत बिजी हैं मसरूफ़ हैं अल्लाह ताला उन्हें मसरूफ़ रखे हम चाह भी देते इस शो में लेकिन हम आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो मैं एक सवाल सोच रहा हूँ कि आजकल आप भी घर पे भी होते हैं तो भाभी गुजरती भी जा रही है शूटिंग पे और आप कंबल ओढ़ के देख रहे हो और अलाफि शूटिंग में जा रही हो के बहान पर काम कर रहा ऐसा तो कुछ सिलसिला नहीं हुआ होता है होता है क्यों नहीं होता क्योंकि जाहिर बात ओवर ईयर ओवर द इयर्स आप मैं प्रोडक्शन करता हूँ प्रोड्यूस करता हूँ मुझे पहले से शौक़ नहीं था ये मतलब ऑन आन कैमरा आने ऑन कैमरे से पहले मैं लिखता था राइटर था मैं डायरेक्शन की तरफ था मैं था, मुझे बिल्कुल आखिर में जाके जब मुझे याद है दो में जब बिल्कुल एहसन रहीम और आमदा खान एक पार्टनर बन गया और उनकी पार्टनरशिप शुरू हुई डायरेक्शन में तो जब मेरा दिल टूट गया मैंने कहा यार ये ऐसन भाई भी चले गए हाथ से तो मैं क्या करूँ तो फिर मैंने ऐसन से बोला गया यार मैं मैं सोच रहा हूँ मैं एक रोड शो स्टार्ट करता हूँ तो ऐसन ने बोला हाँ ठीक है ऐसन का मशवरा यह था कि तू एक काम कर कपड़े अच्छे ले ले उस टाइम पर मशवरे चल रहे थे आपस में पता था तो सारी क्लूलेस थे तो वो तफ़ाक से जो था मैंने मैं इतना रुकता था अपने आप को क्योंकि मेरा वो शो मे हमने उस जमाने में हम लिखते थे तो ये माया खान का शो लिख दिया निदा पाशा का शो लिख दिया इसका शो लिख दिया उसका शो लिख दिए फ्र आलम की शो लिख दिए हम तो राइटर देखिए ये जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं मुझे तो ऐसा लगता है ये बड़े बड़े टाइटेनिक्स हैं जो डूबने वाले हैं है यूट्यूब पर कब आ रहा है ये टाइटेनिक इधर बैठा हुआ ना सामने नहीं एक्चुअली हुआ ये हेरा आपको आना चाहिए ये हाँ। मेरा भी मशवरा है आपको आना चाहिए मुझे आना आपको चाहिए आपको डिजिटल की आवाम एक्सेप्ट करेगी वो करेगी और शायद इंतजार भी कर रही होगी शायद बिल्कुल कर रही होगी क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि आप लोगों की काम हम, YouTuber, पता है देखे हम एज बिंग यूट्यूबर में आपको बताऊं आप लोगों की काम इधर उधर से आते हैं किसी ने डाल दिया उसने डाल दिया ये डाल दिया क्यों क्योंकि आप ऑन नहीं कर रहे हैं ऐसे ही है, उस साइट को हाँ. जिस दिन आप ऑन करेंगे ना और आप अपनी दुकान खोलेंगे और अनाउंस करेंगे कि भाई आज से हमारा प्रोडक्ट आपको यहीं मिलेगा तो उस दिन आवाम आपके पास जमा होगा अच्छा ये प्लान मेरा हेरा का और फिर मेरा असफर का क्योंकि असवर मेरा पार्टनर है असवर शो बड़ा हिट हुआ एक ज़माने में तो हमारा बहुत दफा बनता है अब ये कहना है कि मैंने असफर को ये बोला कि यार मैंने कहा इस पर लग के करना पड़ेगा असफर थोड़ा छः महीने साल तो देना पड़ेगा उसको भी हमने जैसे हाँ, न... तकरीबन तो हमने जिंदगी में लेकिन छः महीने तो दुकान को भी कहते हैं ना दुकान को दो तो दुकान आपको पहचानती है ऐसे है। तो वो जो चीज है ना वो क्योंकि मैं प्रोड्यूस करता हूँ चीज़े, वो चीज़ें मुझे थोड़ी वो आदत खराब होगी प्रोडक्शन करके ना सुकून से बैठ के, के यार अब पैसे आ जाएंगे चेक्स आ जाएंगे फिर मैं कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट कर रहा होता हूँ वो भी मेरा एक शौक है फिर मैंने दो साल पहले सोचा कि यार मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ फिल्म्स करता हूँ तो मैंने फिल्मों में एक्टिंग की जाके

वो उसका डायरेक्टर था और एक हीरोन ही ही था <laughs> सलमान साहब जी कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसे आप समझते हो कि आप इसे डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए घर बैठ जाना चाहिए बहुत ड्रैग हो गया बहुत बोर हो गया बस यार वो मैं खुद ही हूं कि मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए ये मैंने बहुत कर लिया सब कुछ मैं पंद्रह साल लगातार टेलीविजन शोज करता रहा हूँ फिफ्टीन ईयर आज ना मानी साहब हो ये गया है या तो आप बहुत अच्छा करो या डिफरेंट करो ये दो चीजें चल रही है। ये तो बीस साल पहले मुझे समझ आ गई थी बहुत डिफरेंट करना पड़ेगा क्योंकि ना 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 मेरी थी ना थी थी सूरत था था सही ना, स्टाइल था। अदाएं थी और मुझे पता था कि आपको एक एक्सप्रेशन स्वैग, स्वैग। अच्छा, स्वैग। स्वैग। अच्छा, स्वैग। अच्छा, दिया अदाएं वाले चल रहे मीठे मीठे पाकिस्तान तो वो अब वो वो भी एक है अब उनके खिलाफ भी बोलेंगे तो एक बुरी मूवमेंट शुरू हो जाएगी भाई ये तो हाँ ये भी बाकायदा एक वो भाई ये अब हर तरफ से आदाब आ गया मुझे याद है अब मुझे मैं भी कहता हूँ उमर भाई अगर अभी करते है ना कॉमेडी अभी और अगर वो कहते हैं ना अभी अब काले दो मिनट में पे हो जाता बिल्कुल बिल्कुल दो मिनट में जेब पे चाय डालने पे किसी और पे तरह का होता तो सही कह रहे हैं बड़े अच्छे टाइम पे लोग निकल गए आगे उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था सोशल मीडिया लाइब्रेरी नहीं थी नहीं, नहीं। आपकी बात जब आपने निकाल दी बस निकल निकाली अभी जो यूट्यूब महफूज है उछाल के बात बोली थी कि मोजि खुवान हजरात आजकल का ऐसा दौर हो गया है कि प्रोस्टिट्यूट को भी आप प्रोस्टिट्यूट नहीं बोले नहीं कह सकते है उसका प्रोफेशन है बेचारी ना है। है लेकिन आप भाई है तो फिर बोलो मैं एक बात इस पर मजे की बात बताऊं एक इवेंट में कहीं बैठा हुआ मैं तो मेरे साथ बहुत सारे, सारे नामवर्ट टॉकर्स बैठे हुए उसी इवेंट पे तो इंट्रोडक्शन पे बात आई तो उन्होंने कहा नादिर साहब आपका तो यूट्यूबर और हम मैं यही करा मैं बिल्कुल यही हूँ हाँ और क्या मतलब दूधाला बोलोगे टिकटॉकर्स पे आई तो वो बोलिए हमें टिकटॉकर्स नहीं बोलिएगा हमें आप यूट्यूबर कह दे और दूसरी चीज कंटेंट क्रिएटर कह हैं हमें आप मैंने एक चीज फील की उनके अंदर कि यार ये अपनी ही एंटिटी से भाग रहे है हाँ ये नहीं होना चाहिए अगर आप टिकटॉकर हो तो ओन करो बिल्कुल या तो फिर आप उस चीज को आप आप कंफर्टेबल नहीं हो उस जगह पे कि यार ये चीज़ मुझे मैं हूं तो लेकिन हूं भी नहीं है ठीक है अजीब सी बात है असल में यही पूरी कॉम का मसला ये है ना कि वो जो है वो वो ओन नहीं करना चाहते नहीं। नहीं मैंने हिरा से शादी की हुई थी क्यों पहली दफा जब मैं हेरा से मिला था ना तो उसको छोड़ने गया घर पे उसके पहले मैंने मुझे नहीं पता उसका घर किधर है उसने अपना वो अपार्टमेंट दिखाया मुझे कहती है मेरा घर ये मेरे है, ये चौकीदार रहते हैं ये दर्जी रहते हैं मैंने यार ये तो इतनी कॉन्सटेंट लड़की है बेसिकली और उसको और अभी भी वो उसकी अपार्टमेंट में जाती है अपने उस जगह पे जाती है उसको कोई मसला नहीं है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार बन गई है तो मुझे ये और मैं खुद भी ऐसी था अच्छा मुझे लगा कि मुझसे भी ज्यादा कोई कॉन्फिडेंट लड़की आ गई है मैं तो बड़ा खुला सच बोलता हूँ अपने बारे में ये तो मुझसे भी कोई दो हाथ आ गए तो जो जारी लोग होते हैं समझ नहीं आते और जारी लोग बताओ चलते भी नहीं है ज्यादा अरसे कुछ अरसे चलेंगे थोड़ा टाइम चलता है उसके बाद फिर वो फेड आउट हो जाते हैं मुझे एक बात बताए सबसे पसंदीदा कॉमेडियन आपका यार मुझे एक ना मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है बरकत जो मुझे हंसाता है सबसे अच्छा एक्टर आपको कौन लगता है पाकिस्तान पाकिस्तानी यस फिल्म का अलग बता दे ड्रामे का अलग बता दे। क्या मुझे देर एजाज बहुत पसंद है नैयर एजाज आपका हो गया ये फिल्म ठीक है टीवी ड्रामा ठीक है डांसर में आ जाए तो आप मेरा ख्याल किसका नाम ले लेंगे आजकल तो सियासतदान बहुत नचार है <laughs>

आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ता है पी में भी मुझे याद है जब एक वर्ल्ड कप होता दो हजार चौदह का इंडिया में तो उसमें एक गाना था एड़े दे देख दे दे के दे 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 गुमा अच्छा था यार ऐसी चीजें चलती है, है ना अच्छा था ना अच्छा था अच्छा था बाकी अच्छा था, अच्छा था? अच्छा था? बल्कि मैं अभी किसी अपने टीम मेंबर को यह बात रेफरेंस में दे रहा था कल पी का गाना सुना मैंने कहा यार क्लियरिटी से वर्ड नहीं आ रहा बस हाँ, म्यूजिक हाँ, लाउड है हाँ, 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 और अल्लाह बख्शे हमारा एक करेक्टर उनके। मुझे गरा, मुझे गरा, मुझे गरा, मुझे गरा, अच्छा है ऐसा होता है पक गया होगा बता रहा हूँ जिंदगी में बस में सफर तो यकीनन किया होगा बेशुमार है कभी ऐसा हुआ हो कंडक्टर ने किराया लिया हो कंडक्टर ने नहीं कराया दिया अक्सर जो लोग थे ना वो करीब करीब खड़े होते थे बाहर हाँ, हो हो तो से, से जाती थी ठीक है बहुत सारी बसें थी एक दफा मुझे याद है हमारा एक दोस्त था गुलशन कॉलेज से हम बैठे गुलशन कॉलेज हमारे कॉलेज होता था वो कोई दूसरी बस थी जो एक बस से दूसरी बस में आया और फिर उसके चलो निकल इधर निकल जाते हैं लड़का बड़ा हरामी था बेसिकली हमारे स्कूल का था और कॉलेज का था उसने पकड़ लिया बंदे को अच्छा वो हमें हमें तो हम तो डर के मारे गए हम यूँ हो रहे हैं यूँ हो रहे हैं फिर यूं हो गए अच्छा बाकायदा बाकायदा वो कोई चीज तलाश कर रहा था तलाश कर रहा था उसने खूबसूरत लॉन्डो में उसने तलाशी ले ली उसने बोला आ जाओ कहते हम तक किया गया कहते ये क्या किया क्या किया सब कुछ इतना ज्यादा हॉर्डिंग हो रहा था भाई ये

देखिये अपना फीडबैक कभी कभी देखने रोड पे निकलना चाहिए स्ट्रीट्स पे जाना चाहिए भाई कहीं आप ठेले पे रुक जाए ऐसी, ऐसी। कहीं आप आम आम में चले जाए ऐसी, ऐसी। कहीं आप चिंची पे आपने सफर कर लिया हल्का सा अभी हम लास्ट टाइम रक्षे में तो बच्चों को बहुत शौक है इसके अलावा चिंची में भी बैठे बस में बैठे वो जो झारलो वाली बस होती है मेरे बेटे को शौक है इसी में बैठ गया ना मैं बड़े हुए तो वो एक्सपीरियंस हम करते रहते हैं हर तरह की सवारी में बैठते हैं ताकि अपना जो औकात थी ना वो भी याद दिलाते रहे नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल देखें जो बंदा अपना माजी भूल जाता है ना उसका कल कोई याद नहीं रखता कोई याद नहीं रखता बात ये सीधी बात यह आप अपने आप से अपने आप को कैसे भुला सकते हो यार यार हम लोग भुला देते हैं लोग बोलते हैं यार हम तो सेठ द के बच्चे पैदा हुए थे सेठ मनशा हमारा चाचा था ठीक है, है।, है बिल गेट्स हमारे वहाँ ददियाल में लगता है जब बिजोस भनोई है मेरा ठीक है और वो अली बाबा वाला वो कौन हाँ, है चाइनीज चपटा वो मेरा साला है मतलब हर देखे

अब उल्टा हो गया है अब मम्मी कहती है बेटा उनसे दोस्ती कर लो वो अच्छे लग रहे हैं अच्छा <laughs> तो प्रार, नहीं नहीं पैसा है? देखे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ देखिए अखलाक के तीन कलर हैं ब्राउन नीला और हरा ब्राउन है पाँच हज़ार का नोट नीला है हज़ार का नोट और पाँच सौ का नोट ये तीन अखलाक के कलर है अभी तो यही रहेंगे यहाँ से क्राइटेरिया पता चलता है कितने अखलाक ही आता है देखिए सेठ गाली भी देना तो वो भी सुरीली लगती है

कि यार जिंदगी में पैसा कमाओ ठीक है अच्छा कमाओ कैलकुलेटर ना बनना आ, कि बस पैसा आ, कमाए जा रहे हो आ, और खर्च करने का टाइम नहीं है आपके पास नहीं नहीं आप, आप इंजॉय करो जिंदगी का कुछ नहीं पता है अच्छा हम कुछ नहीं पता मैं मेरी फिलोस है कि जहां, जैसे मुझे शौक है फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने का तो मैं फुटबॉल वर्ल्ड कप गया अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूँ ये तो मेरी जी जी लाइव आपने देखा था वो रशिया में आप फुटबॉल मैच आप है लाइव गुजारे नहीं मोजि खातन और हजरात लाइफ जिये लाइफ को जिये बहुत खातनों हजरात उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी होगी मैंने भी बहुत इन्जॉय किया मानी साहब की भी सेल फुल चार्ज थे बैटरी चार्ज थी बैटरी कैमरा जब खुलता है मेरे सेल चार्ज हैं अभी तुम देखना दे। कैसे चार्ज चार्जिंग खत्म होगी थोड़ी देर बाद यकीन करो ऐसा ही है ऐसा ही है उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी और पसंद आई है तो दबा के शेयर करें और इस पॉडकास्ट से मानी और मुझे इजाजत दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि